राजस्थान के जयपुर के एक किसान हैं बाबूलाल गढ़वाल, जो जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद कर रहे हैं। मानो ये नारा इन्हीं के संदर्भ में गढ़ा गया हो। कभी एसटीएफ बटालियन का हिस्सा रहे बाबूलाल आज फुल टाइम किसान हैं। देश की सीमा पर देशवासियों की सुरक्षा का ख्याल रखने वाला ये जवान किसान बनकर आज सेहतमंद खेती के जरिए देश के लोगों को स्वस्थ सब्जी और अनाज उपलब्ध करवा रहा है। आज मैं पूर्ण तरीके से जैविक खेती कर रहा हूं और मैं भी करता हूं, आसपास के किसानों को ट्रेनिंग देकर उनसे भी खेती करवाता हूं। 2 साल एसटीएफ की नौकरी करने के बाद जब अचानक से बाबूलाल जी के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आई तो वो नौकरी छोड़ गांव लौट आए। पहले 2-3 साल परंपरागत खेती की, लेकिन जब रासायनिक तरीके से की जाने वाली खेती के नुकसान के बारे में पता चला तो उन्होंने जैविक खेती का रुख किया। आज वो पूरे तरीके से जैविक खेती करते हैं। करीबन 5-6 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। पहले मैं एसटीएफ के अंदर था, उसके बाद में मैंने जैविक खेती करने का ठानी। बाबूलाल जी के पास 8 हेक्टेयर जमीन है जिसमें वो अन्न अनाज से लेकर फल सब्जियों की खेती करते हैं। जैविक तरीके से खेती करने से उन्हें 8 हेक्टेयर खेत में फसल को उगाने से लेकर मार्केटिंग तक में केवल 2 लाख खर्च करना पड़ता है, जबकि उन्हें अन्न अनाज फल सब्जियों की बिक्री से सालाना 15 लाख की आमदनी हो जाती है, जिसमें से अगर खर्च घटा भी दिया जाए तो बाबूलाल जी को 13 लाख की शुद्ध आमदनी साल भर में हो जाती है, यानी हर महीने लाख रुपए से ऊपर। अपने साल भर की लगभग मेरी इनकम 15 लाख के करीब होती है, जिसके अंदर लगभग 2 लाख के आसपास में खर्चा बैठता है, क्योंकि जैविक के अंदर अपन देखा जाए तो वैसे खर्चा कम बैठता है। हाँ, ये जरूर है, हल्का सा पैदावार में फर्क पड़ता है जो शुरुआती 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद में अपने को पैदावार में भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अनाज की खेती से लाखों कमाना, ये बात भले ही आपको नहीं पच रही हो, लेकिन बाबूलाल जी अनाज की खेती से भी लाखों कमा रहे हैं, जिसके 2 कारण हैं। पहला ये कि उनका अनाज 100% ऑर्गेनिक है। दूसरा ये कि वो अनाज को अनाज मंडी में सीधे ना बेचकर दलिया तैयार करते हैं और फिर उसे ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए बेचते हैं। 8 हेक्टेयर के आसपास में जमीन है, जिसके अंदर गेहूं जितना भी मेरा था उसको मैंने आटे के रूप में तैयार करके और ऑनलाइन सप्लाई करता हूं। और जोक है, जो कि मैंने गुली बनाई है, तो जो कि गुली और दलिया और घाट ये आटा तीनों मिला के मैं अलग अलग वेरायटी उसकी बना के और उसको मार्केट में बेचता हूँ। जैसे गेहूँ का मैंने 4600 रुपये का भाव रख रखा है, जो अभी इस टाइम के अंदर उल्टा शॉर्ट और पड़ रहा है। अनाजों के अलावा बाबूलाल जी अपने खेतों से साल भर जैविक सब्जियों की भी पैदावार लेते रहते हैं, जिसमें से अभी उनके खेतों में लौकी, पालक, धनिया, खीरा, कद्दू, ग्वार, भिंडी जैसी सब्जियां लगी हुई हैं और उन्हें इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। मेरे पास में 7 तरह की सब्जियां हैं, जिसमें पालक, धनिया, खीरा, लौकी, ग्वार और एक हाइब्रिड जो गुआर आता है, वो अपने भिंडी, देसी टिंडा और पेटा कोला, ये सब्जियां अभी मेरे पास में है जो जयपुर में मैं सप्लाई कर रहा हूँ। जैविक अनाज सब्जियों के लिए बाबूलाल जी गौ आधारित खेती करते हैं, यानी गाय के गोबर और गोमूत्र का खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल से स्वस्थ और बम्पर पैदावार मिलती है। इसके अलावा वो कीट रोगों की रोकथाम के लिए तंबाकू का इस्तेमाल भी अपने खेतों में करते हैं। पास में 5 गायें हैं देसी, उनके गोबर से मैं जो बरसात के मौसम में देसी केचुए जो जमीन से बाहर आते हैं उन्हीं से केचुआ खाद बना के और गोबर गौमूत्र से जैसे जीवामृत वगैरह ये सारी चीजें बना के इस फसल के अंदर डालता हूँ। अपने मार्केट के अंदर जो फंगस आती है उनका भी यूज किया है। दूसरा, अपने जो ये नीम आता है, नीम की खल में डालता हूँ पहले, और नीम का जो अर्क बना के और वो भी मैं फसल के अंदर चलाता हूँ। बाकी जैसे इंटरक्रॉप के लिए मैंने बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए काफ़ी हद तक जैसे तंबाकू का यूज किया है मैंने सबसे ज़्यादा। तंबाकू इंटरक्रॉप की वजह से बहुत सारी बीमारियों का रोकथाम होती है।
गौ आधारित खेती के बारे में सुनकर भले ही आपको बाबूलाल जी की खेती थोड़ी पुराने जमाने वाली लग रही हो, लेकिन उनके खेतों पर वो सारे साधन उपलब्ध हैं जो उनकी खेती को आधुनिकता के सांचे में ढालती हैं, जैसे पानी के लिए सोलर संचालित ड्रिप, बेल वाली फसलों को सीधा खड़ा रखने के लिए स्टैकिंग तकनीक का इस्तेमाल। सब्जियों के अंदर मैं ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करता हूँ, सोलर का एक पैनल लगा रखा है, उस सोलन के पैनल से ही मैं सारी ड्रिप की ये जो सब्जियां हैं उसके अंदर सिंचाई करता हूँ। ओपन के अंदर मैंने लौकी जो लगा रखी है उसको भी जाल के ऊपर लगा रखी है, जिससे कि फ्रेश लौकी पैदावार ले सकूं, कि मिट्टी के टच में आने के बाद में लौकी खराब हो जाती है। आधुनिकता से परे बाबूलाल जी का एक और रूप आपको तब देखने को मिलेगा जब आप हरी जालीदार संरचना के नीचे पहुंचेंगे। ये है शेड नेट। जी हाँ, सही सुना आपने, पर जरा रुकिए, ये बाबूलाल जी ने खुद के जुगाड़ से तैयार किया है। ऑक्सीजन के लिए मैंने एक ये छोटा सा शेड नेट अपने खुद के हाथ से बना के मैंने ये कर रखा है, जिससे ऑक्सीजन की सब्जियां मिल सकें। जैसे गर्मियों के अंदर पालक धनिया गर्मी में बाहर होता नहीं है, इस वजह से ये शेड नेट हाउस बना रखा है मैंने। बाबूलाल जी की खेती को आप तिरंगे सरीखा समझ सकते हैं, एक खेत में कई रंग, जिससे बाबूलाल जी बंपर कमाई कर अपने जीवन में तो उमंग भर ही रहे हैं, साथ ही इलाके के लोगों को भी ऐसी लाभ वाली खेती के प्रति सजग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।